बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के एमपीए बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 16 टीमें तश्कील दी गई थीं। रात गए CIA पुलिस ने 10 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। इस दौरान दोनों मुलजमान को शाहदरा के इलाके से खुफिया ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि कल सुबह मुलजमान को शिनाख्त परेड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जमान का कहना है कि बिलाल यासीन पर फायरिंग केस में मुत्तहिद लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था। सहूलतकार साजद और फखरे आलम असला डीलर को भी गिरफ्तार किया गया था। जराए का कहना है कि गिरफ्तार शूटर्स के नाम माजिद और काशिफ हैं। गिरफ्तार शूटर्स अरसा दराज से बिलालगंज के रहायशी हैं और इनका अबाई ताल्लुक मोरखंडा ननकाना साहब से है। जराए के मुताबिक गिरफ्तार शूटर्स ने हमले के वक्त आइस का नशा कर रखा था। मुलजमान से नामालूम मुकाम पर मजीद तफ्तीश जारी है। ख्याल रहे कि 31 दिसंबर की रात को लाहौर के इलाके मोहनी रोड पर मोटरसाइकिल सवार दो अफराद ने रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए थे। बिलाल यासीन के पेट में दो और टांग पर एक गोली लगी थी। मेयो अस्पताल में इनका ऑपरेशन किया गया था और वो अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिए गए हैं।